हरे कृष्णा राधे राधे। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि हमें देव उठनी एकादशी कब रखनी है, व्रत कब रखना है, पालन कब करना है, पारण कब करना है, और व्रत कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजा कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे वीडियो में आज आप ब्रज धाम के दर्शन कीजिएगा और ठाकुर जी के भी दर्शन कीजिएगा साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है द्वादशी एकादशी जिसे कहा जाता है, उस दिन देवोत्थानी एकादशी आती है, जिसको देवउठान एकादशी भी कहा जाता है। यानी जब हमारे श्री हरि नारायण उठते हैं, यानी देव जागते हैं, सभी देव वी देवता जो हैं वे सो जाते हैं चार मास के लिए श्री हरि नारायण के साथ। तो योग निद्रा में जब वे जाते हैं तो वे चार मास के लिए जाते हैं, और उस टाइम पे कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। तो देव उठनी एकादशी पर ही हमारे श्री हरि नारायण जागते हैं, और तब से ही मंगल कार्यों का आरंभ हो जाता है, और इसीलिए भगवान विष्णु के जागरण का विशेष महत्व इसे माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु की नींद समाप्त होती है और वे धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाग जाते हैं। और देव द्वादशी एकादशी का जो महत्व होता है धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से भी सभी पापों का जो है वो नाश हो जाता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखिए, क्योंकि एकादशी जो है वो श्री हरि का अत्यंत प्रिय दिवस है। यानी जो सबसे विशेष दिवस होता है, दिन होता है, वो एकादशी का होता है, और ये तो देवउठान एकादशी है तो बहुत ज़्यादा विशेष होती है। इसीलिए हमें इसका व्रत आज के दिन रखना चाहिए और निराहार रहना चाहिए, यानी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। विशेष रूप में अगर आपकी क्षमता है तो आप रात्रि में जागरण करके श्री हरि नारायण को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर प्रभु को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का उपवास नहीं है, हमारा उपवास रहेगा। तो वो आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं अगले दिन जब आपका पारण हो जाएगा, क्योंकि सुबह ही पारण हो जाता है। तो आप उस टाइम पारण करके उस भोग प्रसादी को ग्रहण कर सकते हैं। और आज ही के दिन जो है देव उठनी एकादशी पर ही तुलसी शालिग्राम विवाह हुआ था, इसीलिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। और इसी दिन कोई भी विवाह बिना तिथि के भी होता है तो वो भी अति मंगल होता है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे आरंभ होते हैं मंगल कार्यों के। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत में देखिए आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सेवा करनी है, प्रभु को जगाना है, यानी अपने यदि आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को जगाइए, देवों को जगाइए, उनको स्नान कराइए, और स्नान कराने के बाद आप मंगला आरती कीजिए, भोग लगाइए, और उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनकी आरती आराधना अर्चना कीजिए। और अब हम आपको बताते हैं कि जो एकादशी का आरंभ हो रहा है वो कब हो रहा है। तो एकादशी का जो आरंभ हो रहा है वो 11 नवंबर सोमवार को 6:46 से होगा, और इसका जो समापन होगा वो होगा मंगलवार को 12 नवंबर को 4:04 पे संध्या के समय। लेकिन कोई भी जो तिथि होती है उसका जो शुभ आरंभ होता है वो सूर्योदय से होता है, तो इसीलिए हम एकादशी का पालन जो है वो 12 नवंबर को करेंगे, यानी व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा, और पूरे भारतवर्ष में ही 12 नवंबर को एकादशी का पालन किया जाएगा, यानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इसका पारण आपको कब करना है, यानी इसको खोलना कब है, तो इसको आपको अगले दिन 13 नवंबर को खोलना है, जिसका पारण का समय होगा 6:52 से सुबह 10:24 तक। तो यदि आप भारतवर्ष में कहीं पर भी हैं तो आप इस समय पर पालन कर सकते हैं, बाकी आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अलग अलग टाइम होता है एकादशी के पारण का। तो अब हमें क्या क्या व्रत में खाना है क्या नहीं खाना है, तो देखिए वैसे तो अगर निराहार निर्जल रहें तो बहुत ही अच्छा है, बट यदि आपकी क्षमता नहीं है तो आप जल फल दूध से भी रख सकते हैं, और एकादशी व्रत का जो प्रसाद होता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी क्षमता नहीं है, आप बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी स्त्री हैं, और
जो भी आपके घर में यदि स्वस्थ नहीं है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आप मत कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हरि नाम संकीर्तन करें, माला जाप करें, और जो है संगत का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, तो आप बुरी संगत से दूर रहें। कोशिश कीजिए कि अच्छे मतलब वैष्णव के संग ही आप कर पाएँ, और मंदिर में जाएँ, प्रभु का दर्शन करें, प्रभु के श्रृंगार के दर्शन करें। कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है और आप जा सकते हैं तो धाम में जाकर भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अति विशेष एकादशी होती है, सबसे बड़ी एकादशी भी माना जाता है इसको। और आपको जो आप जो भी आध्यात्मिक कार्य इस दिन करते हैं उसका 1000 गुना आपको फल प्राप्त होता है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपके कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम की कृपा सभी पे बनी रहे। और आप सभी को मंगल बधाई देवउठनी एकादशी की एडवांस में। राधे राधे।